ऑल इंडिया स्तर पर आयोजित एमडी परीक्षा में नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। दरअसल हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के पास परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रहे 3 कैंडिडेट्स को मोबाइल फोन से फोटो खींचकर टेलीग्राम के जरिए नकल कराई जा रही थी और जब इसकी सूचना देहरादून पुलिस को मिली तो उन्होंने आरोपियों को रंगे हाथ धर दबोचा। बता दें कि जब नकल माफियाओं के शामिल होने और अलग अलग जगहों से केंद्रों में परीक्षा के समय विद्यार्थियों को गलत तरीके से नकल कराने की सूचना देहरादून के पुलिस अधीक्षक को मिली। सूचना मिलने के तुरंत बाद कोतवाली ऋषिकेश और SOG की टीम को पूरे मामले की जांच कर सच्चाई का खुलासा करने के निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद पूरी टीम ने बैराज रोड से एक टाटा सफारी में बैठे 5 लोगों को परीक्षा में बैठे कैंडिडेट्स को मोबाइल फोन और टैब के जरिए पेपर को हल कर उन्हें उत्तर बताते धर दबोचा। साथ ही देहरादून के SSP ने बताया कि 5 नकल कराने वालों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी के पास मोबाइल फोन, टैब और मेडिकल की बहुत सी किताबें बरामद हुई है और वे सभी टेलीग्राम के जरिए वे सभी इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहे थे। साथ ही उनके साथ मिले कैंडिडेट्स का भी पता लगाया जा रहा है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। की परीक्षा थी जो एम्स द्वारा ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें जो है 5 लोग को अरेस्ट किया गया था गोपनीय सूचना के आधार पर, जिसमें ये जो है जो हिमाचल प्रदेश में 3 कैंडिडेट थे जिनको टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ से क्वेश्चन भेजे जा रहे थे और वो परीक्षार्थियों को यहाँ से सॉल्व करके भेज रहे थे। जैसे मेडिकल की किताबें भी थी मिली, काफ़ी सारे टैब मिले। तो अब ये सूचना जब मिली थी तो उनको मौके से गिरफ्तार किया गया। उसमें जो क्वेश्चन पेपर वहाँ से आ रहे थे उनको सॉल्व करके भेज रहे थे, इसमें एम्स के 2 डॉक्टर भी शामिल हैं और 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो विभिन्न हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं। जो परीक्षार्थी थे उनके बारे में भी काफ़ी सारा डिटेल हमें मिल गया, उनके एडमिट कार्ड वगैरह भी मिले हैं। तो एक बड़े लेवल पर इस परीक्षा को इस तरह से इसमें नकल कराई जा रही थी। आगे भी इसमें जो क्लू मिले हैं उसमें सूचना को अन्य प्रांतों से शेयर किया जा रहा था। सर, इसमें कुछ और लोगों के शामिल होने की भी हो सकती है? नेचुरल सी बात है, 5 लोग तो यहाँ अरेस्ट हुए हैं, बाकी जो परीक्षार्थी थे जो उसका यूज़ कर रहे थे वो अलग, वो हिमाचल में है और अन्य जगह भी हो सकते हैं, क्योंकि जो कुछ जानकारी मिली है उसको हम अन्य प्रदेशों से साझा कर रहे हैं। तो जांच के बाद अगर वो नाम साथ हैं उनकी गिरफ्तारी? हाँ बिल्कुल, अगर जाँच के बाद नाम आते हैं साक्षात हैं तो उन पर कार्रवाई करी जाएगी। बता दें कि आरोपियों से पूछताछ में इस बात का पता चला कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए एम्स अस्पताल के डॉक्टर वैभव, अमन और अन्य लोग शामिल थे और साथ ही परीक्षा में नकल कराने को लेकर 50 लाख की मोटी रकम की मांग की गई थी। ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट।